दोस्तों के दर में वजह दोस्ती है। यूनुस एमवे, यूनुस एमवे फाउंडेशन के ऊपर वैसे तो ड्रामा बड़ा शानदार ड्रामा है। हाँ, वो मैंने मुझे ख्वाब हुआ देखा। आप उसको देखिए। ओ हो हो, क्या बात है। उसको वो जज बना है। हाँ जी, अपॉइंटमेंट हुई है, बहुत जबरदस्त अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन वो अपने मुर्शद के पास आ गया है और सब कुछ छोड़ छाड़ गया और मुर्शद ने आजमाया है। वो सबसे बड़ी आजमाइश उसमें एमरे में तब आई थी कि जब मुर्शद ने कहा कि इस कुत्ते की जो है ना, तूने इसका ख्याल रख, और एक बर्तन उसको पकड़ाया कि इसमें इसको खाना देना। सर, ये नासिर जमाल साहब आ गए। ये सर आज आपके घर हाजिर हुए हैं सारे दोस्त। तो बड़ी खुशकिस्मती थी कि एक वक्त हमें सब लोग मिलके एक चांस मिला, कि काफ़ी अरसे से जो ख्याल था कि हम सब लोग इकट्ठे बैठे और कुछ बाजगश्त वो कहानियाँ वो बातें जो हम शायद कभी कभी, हमें। कभी करना चाहते हैं कभी नहीं, तो वो आज खुल खुला के अभी नहीं हुई। वैसे अभी किसी सफ़र पर होंगे, अभी किसी सफ़र पे होंगी और बड़ा खूबसूरत मामला होगा। सर वो आज मौजूद फैले और सब मतलब समेटना मुश्किल हो गया था, और अहम तरीन मौजूद जो हमें लगा वो ये था कि हमने अपने असातिज़ा की बातें की। वो माशाल्लाह, वो तो बहुत ही प्यारी गुफ्तगू और बहुत ज़्यादा खूबसूरत यादें थी उसमें। हमें अपना बचपन और जवानी दोनों सामने नजर आया। आपने एक टीचर का नाम लिया था, डॉक्टर मनोहर। हाँ, जो अंग्रेजी के टीचर थे रेलवे रोड में। और मेरे ख्याल में कि हालांकि उस दौर में इतने जदीद कोई थ्योरीज और कोई टीचर्स थे नहीं वर्ल्ड वाइड, जो जैसे आज है डिजिटल और वो इतने मॉडर्नाइज हमने, मैं समझता हूँ आज जब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं मल्टीनेशनल पीपल के साथ मल्टी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग्स, कि वो हर लिहाज से वो सेल्फ एक नेचुरल किस्म की एक ऐसी टीचर थे कि कहना चाहिए उनके पास मुकम्मल ट्रेनिंग के तमाम कोर्सेज उनके अंदर थे। सर ये होता था कि ये लोग तनख्वाह के लिए काम करते थे क्या? दैट्स द पॉइंट, आपने सही कहा। वो एक प्रोफेशनल टीचर नहीं थे कि जो प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ सिर्फ सब्जेक्ट की अबूर हासिल होने पर तो थे वो, लेकिन अपनी ज़ात में वो मुख्तलिफ थे। मीन वो जिस जो अपने प्रोफेशन को एक खूबसूरत आप समझें कि अपनी जिम्मेदारी और एक शौक समझते, जिससे उनके अंदर शख्सियत ही कोई और हो जाती, वो टीचर नहीं रहते थे, वो मेंटोर हो जाते थे। जी वो तो वो मेंटोर, हाँ, उनकी बात, ये वो लोग थे जिनकी बात सुन के स्टूडेंट जो है अगर वो कह दें कि झूठ बोलना गुनाह है, तो वो तो पहली जमात से लेके हर प्रोफेशनल सोलहवीं जमात तक पढ़ाया जाता है कि आप झूठ बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन ये वो टीचर है जिनके कहने से लोग बदल जाते हैं कि यार अच्छा झूठ बोलना वाकई गुनाह है। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जिनकी बात से जो यानी जो पढ़ाते थे, तालीम को किरदार बनाते थे, यानी दूसरे लफ्जों वरना तालीम तो एक मालूमात का तुम्हार, उसके आगे तो कोई बात नहीं, और उसकी वो तनख्वाह लेके वो कहते ठीक है ये ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन क्या वो चीज़ ट्रांसफ़र अब होती है कि आप जो कहें वो एक तरबियत बन जाए? ना मुमकिन। अब गूगल ने उसकी जगह ले ली है सर। हाँ गूगल ही, मैंने ये कहा कि वो एक बंच ऑफ नॉलेज है। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया तुम्हार, इन्फॉर्मेशन का तुम्हार, क्या उर्दू अदब आपने? ये बात सही है, ये वो एक मालूमात का तुम्हार है, एक इंसाइक्लोपीडिया है उसके अंदर, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर इंसाइक्लोपीडिया सारे डाल दिए गए, बट कैन एवरीबॉडी कैन उसको सारे को पढ़ सकते हैं, वो जवाब दे सकते हैं। ये फैज अहमद भट्टी कहाँ से आएंगे उसमें, और ये नजर मोहम्मद मलक साहब कहाँ से आएंगे, मुनव्वर साहब कहाँ से आएंगे, ये सब ये सारे लोग गूगल पे। और ये वो जो पैराग्राफ जो थे ना, आप पैराग्राफ जो नॉर्मल प्रोफेशनली चलते हैं उन्हीं पैराग्राफ्स के आप ट्रांसलेशन करते हैं, उनके पास जो पैराग्राफ्स भी थे ना वो स्पेशल पैराग्राफ्स थे। क्या हल्की बनी है, आपको इसको ट्रांसलेशन करना है, क्या हल्की बनी है, कितनी खूबसूरत। आगे क्या कहते हैं, मुर्गी का गोश्त गर्म होता है अंग्रेजी को, मुर्गी का गोश्त वो कहते हैं इसकी अंग्रेजी को, मुर्गी का गोश्त गर्म होता है। फिर वो लफ्ज जब क्लास में दाखिल हुआ उसने कहा हैप्चुआजेनेरियन सेप्चुआजेनेरियन, डिक्शनरी के वो अल्फाज जो नॉन कॉमन थे लोगों को, इस तरह बात बन गई उससे कि वो हमेशा के लिए, मैं आज 63 ईयर ओल्ड हूँ, एट दैट टाइम इन 1973 टू 75 आई वाज 15 एट 73 एंड 17 75 व्हेन आई लेफ्ट द कॉलेज। वेरी इंटरेस्टिंग,
बट स्टिल आई उसका फेस, उसकी बातें, उसके तसव्वुर से नहीं निकली, उसके एहसास, मैं उसके वो जो कहना चाहिए है कि वो एक ऐसा मैं इसको एक नशा कहूँ कि क्या मामला था कि मैं आज भी उसको देखता हूँ, सुनता हूँ, उसके शहर से नहीं, शहर से नहीं निकला ये बात। लो हाँ जी, फैज अहमद भट्टी साहब जी मेरे आइडियल है, क्योंकि बल्कि वो मैं समझ मेरे नहीं, हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेहमान हैं। नहीं, मांगड़ साहब और आप फैज अहमद भट्टी साहब के साथ इकट्ठे? हाँ जी इकट्ठे थे, मांगड़ साहब मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा, मुश्ताक मांगड़? मुश्ताक मांगड़ मेरे क्लास फेलो थे, और हमारी संगत भट्टी साहब के साथ इकट्ठी हुआ करती थी, क्योंकि भट्टी साहब भी मांगड़ साहब को बहुत प्यार करते थे और शायद उसकी वजह से मुझे भी मिल जाता था। कुछ कहे अपने किसी उस्ताद के बारे में? उस्ताद के बारे में तो अपने दोस्त ही मेरे सारे दोस्त ही साथ हैं। अकबर साहब, ये आखिरी क्लिप है। मैंने तो अभी बताया हमारे दो उस्ताद जो थे, मैं सरफराज और जमील के जो उस्ताद थे उसमें एक अनवर साहब थे, जिन्होंने हमें फारसी भी पढ़ाई और अंग्रेज़ी भी, अंग्रेज़ी आज थोड़ी बहुत जो हम जानते हैं उन्होंने टेंथ हमें पढ़ाए हुए थे, और काजी साहब उन्होंने हमें साइंस पढ़ाई, और हमारी क्लास में शायद 50% से ज़्यादा बच्चे थे जिनके मैथ में 100 नंबर थे, मैथ और साइंस उन्होंने पढ़ाई। ये दो जी शाहिद नवाज को आज मिस की है, शाहिद नवाज को मिस किया है, शाहिद नवाज की वजह से हमने इस पूरे दावत को अरेंज किया था, लेकिन शाहिद नवाज ने आज हमारे साथ, उसका उसकी सजा अब ये है कि वो इसी तरह की महफिल अब अपने घर पे अरेंज करेगा और ये सारे लोग उसमें आएंगे। बस हमने फिजिक्स का कोर्स कर एक कंबाइन इम्तिहान एक सर एक अजरदानी ने चैप्टर तैयार किया, एक चैप्टर मैंने तैयार किया, एक हफीज ने किया। अच्छा अच्छा, अब जो डॉक्टर मनसब था और मकबूल वो भी एक एक चैप्टर तैयार करके आते, 5 चैप्टर हो, लेकिन एक दिन में एक ही शख्स का एक चैप्टर की डेट होती। अच्छा, अजरदानी एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नासिर हमेशा लेट आते, मेरा ये मेरी आदत शुरू से ही ये तो आपकी। उसने कहा उस फीज ने ना उसको पर्दे के जो है मुझे छुपा दिया, उसके हल्का था बड़ा तुम्हारे खिलाफ वो बड़ा गुस्सा आता है, उसे कहता तुम आज जल्दी आ गए, ये कर ड्रामा दिया था आज तो तुम्हारे मतलब उन्होंने ट्राई कर दी, उसने मुझे पर्दे में छुपा दिया। अच्छा, मुझे पर्दे में छुपा दिया और वो कोई 5 मिनट बाद टाइम जब हुआ पूरा 10 वो आ गए, वो आते उसने ना नासिर मगर फिर नहीं आया, कहता अभी फिर उनसे इंतज़ार करो आधा घंटा, उसने शुरू कर दिया। अच्छा, उसने वो असल कहानी शुरू कर दी, ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है, वो वैसा भी है। क्या मजा आया होगा क्या सुने भाई, कई दफा पसीने दोस्तों की तसल्ली हो गई, बड़ा मजा कोई बात यही तसल्ली हो गई। मतलब आज नासिर साहब को हमने काफ़ी दिनों के बाद काबू किया, तो आज कैसी रही महफिल, आपको इसको रेटिंग क्या देंगे आज? देखिए ये जो रेटिंग है ये इससे बाहर निकली हुई चीज़ है, मैंने हमेशा ही ये जो कैंट के दोस्त हैं इनका जो क्लब है जीजी क्लब, उसके हवाले से बहुत ही शानदार यादें इनके पास मौजूद हैं, मेरा जी चाहता है इनको डॉक्यूमेंट किया जाए, इन चीज़ों को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके नतीजे में हमें महसूस हो कि फ़र्क क्या आया है तालीम में, तरबियत में, माहौल में, असातज़ा में, शागिर्दों में क्या फ़र्क आया है। मैंने आज की महफिल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्जॉय की है वो मैंने उन रेलवे रोड कॉलेज के उस्ताद जो थे आपके इंग्लिश के, उनके बारे में, मुझे वो इन घोड़ों की तरह लगते हैं जैसे जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि हमने आगे बढ़ना है, मोहब्बत भी कर रहे हैं और अपना सफ़र भी जारी रखे हुए हैं। मैंने जब सरफराज साहब से बात की, अकबर साहब से की, इजाज साहब से बात की, सबसे अच्छा लगा फैज अहमद साहब का जिक्र, और एक दरवेश जो है जो जिंदा दरवेश हैं उनका जिक्र हुआ, मुश्ताक मांगड़ साहब इस रक्से दरवेश की वजह से मुझे लगता है कि वो भी इसी इन्हीं दरवेशों में शामिल है।